अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू KookingK.com। आज हम बना रहे हैं वाइट बीफ पुलाव। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनता है। कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स आप इसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोश्त को 400 ग्राम गोश्त को नमक डालकर बॉयल कर लिया था। 1.5 कप चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर भिगो दिया है। 1 अदद प्याज लिया है स्लाइस किया हुआ। 1 कप फेंटा हुआ दही लिया है। यहाँ पर मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें तेज़पात, दालचीनी, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, 2 खाने के चम्मच मैंने हरी मिर्चें ली हैं चॉप की हुई, 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, 1 खाने का चम्मच नमक लिया है और 1 अदद बीफ क्यूब लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल डालकर गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे और प्याज भी डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इससे पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची डालकर इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे दरमियानी आँच पर। इसके बाद इसमें बीफ क्यूब डाल देंगे और बीफ क्यूब को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये घुल जाए। साथ ही इसके अंदर हम जो बॉईल किया हुआ बीफ है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आँच पर अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू डालने के बाद हमने आलू और बीफ को अगेन कुछ मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से भूनना है। इसके बाद हम इसमें फेंटा हुआ दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर दही के पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, आलू और गोश्त भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो गोश्त की यखनी है, जिसमें हमने गोश्त बॉयल किया था, वो पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। इसे जेंटली स्टर करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। साथ ही इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इसे अगेन स्टर कर लेंगे। स्टर करने के बाद इसे पानी के खुश्क होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, इसे एक बार स्टर कर लेंगे। स्टर करने के बाद इसे ढककर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और लीजिए, मज़ेदार वाइट बीफ पुलाव तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे रायते और सलाद के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।